ये माझी जी के प्रति हमारा बड़ा सम्मान है, बुजुर्ग है, भर गया में घूमिएगा, और भाजपा के लोग से अगर पूछिएगा ना तो बोलेगा नीमन कैंडिडेट नहीं मिला, और भाजपा का लोग बोलेगा छोड़ो कैंडिडेट को क्या देना है, ऊपर देख करके वोट देना है, ऊपर वाले मतलब मोदी जी को वोट देख करके वोट देना है। अरे मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, कितना चीनी मिल खुलवाना था वो नहीं खुलवाए, पलायन नहीं रोके, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया, कम से कम अच्छा कैंडिडेट तो दे देते ताकि गया के लिए आवाज उठाता। तो जो ऊपर देख रहे हैं जो भाजपा के लोग, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं, मोदी जी भी ऊपर वाला को देखते हैं, पूंजी पतिये के देखते हैं, अमीरे के देखते हैं, हर कोई लालू यादव है। तो आप सब लोग जानिए पहचानिए कि कौन झूठ बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहे खाली परिवारवादी है, परिवारवादी है। जीतन रामाजी जी परिवारवादी नहीं लग रहे, उनका बेटा और तो संतानों के बना दिए, तब मोदी जी क्या बोलेंगे। अब मांझी जी से जरूर पूछिएगा कि शराबबंदी के खिलाफ आप बोलते थे कब चालू करा रहे, पूछिएगा, अब तो सरकार में है ना, उनके बदौलत जरा उनसे पूछिएगा। इसलिए आप लोगों के बीच आए, इधर उधर नहीं, चुपचाप लालटेन छा, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुमार सरजीत जी आपके घर के बेटे हैं, इनके पिताजी का गया के लिए सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा योगदान रहा, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है, और अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सरजीत जी पर्यटन मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, और आज अगर आप बोध गया चले जाइए, इनके क्षेत्र चले जाइए, तो एक ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं हो, एक ऐसा गांव नहीं जहां पुल की कमी हो, आप एक बार जाकर के देखिए, हर जगह रोड, हर जगह पुल, हर जगह विकास के काम इनके क्षेत्र में हो रखा है। अब बताइए इतने नौजवान पर कैसी है, इतना सज्जन व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिएगा। आप लोग बताइए जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए पीछे से, तो जिताइएगा तो ये आपके लिए काम करेंगे, नेता बन के नहीं बल्कि आपका बेटा बनकर के काम करेंगे, आपका भाई बनकर के काम करेंगे। तो आप ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, चुपचाप लालटेन छाप। तो इनको सरबजीत जी को जिताना है ना, अरे दोनों हाथ तो उठा के बताइए, जिताना है ना, तो इनको विजय का माला पहना दे ना। अब मोदी जी या कोई आएगा तो हिसाब जरा लीजिएगा, हम लोगों को बोल रहे खाली परिवारवादी है, परिवारवादी है। ये पहला फेज में कहां का चुनाव है, औरंगाबाद में है, गया में है, नवादा में है, और जमुई में है। जीतन रामाजी जी परिवारवादी नहीं लग रहे, उनका बेटा और तो संतानों के बना दिए, तब मोदी जी क्या बोलेंगे। नवादा में चले जाइए तो सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर के, औरंगाबाद चले जाइए तो सुशील कुमार किन के बेटे, आप सब लोगों को पता है कि नहीं, और जमुई में चले जाइए तो चिराग जी के जीजा जी, मतलब वो सब नहीं माना हमने बेकार, जो नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख बेकार, और जो आज तक किसी और के वोट पर राज किया वो अच्छा, हम लोग काम करने वाले लोग यही बात बोलते हैं।
जब ये बतुआ याद दिलाए मोदी जी को तो दो बार से बिहार आ रहे, भूल गए परिवारवाद का आरोप लगाना। आई पलामू से देखिए, औरंगाबाद से हम लोगों ने खुशवाहा भाई को टिकट दिया, यहाँ सरबजीत पासवान जी को हम लोगों ने दिया, नवादा में भी संतोष खुशवाहा है उनको दिया, और जमुई में श्रवण खुशवाहा को नवादा में, और जमुई में अर्चना रविदास को हम लोगों ने टिकट दिया, और यहाँ पलामू में ममता भुइया को हम लोगों ने टिकट दिया है। सबको लेके चल रहे, ये पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। सबका मान, सबका सम्मान, सबका प्रतिनिधित्व हो ताकि सब लोग अपने अपने लोगों के बारे में आवाज उठाएं। मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे, चुनाव के बाद चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो चुनाव में आएंगे, तो सब चीज अब बिहार के लिए कुछ नहीं किए। हाँ, मोदी जी केवल हर चीज गुजराते में कर दी, बिहार के लिए नहीं किए। अरे खाली बोलते कि राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन, हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, हम महंगाई भी कम करेंगे। अकोनो राशन मोदी जी दे रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से राशन मिलता था, कि राशन तेल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी भी मिलता था, वो तो पहले ही से ना चलता रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा कि राशन मोदी जी बंटवा रहे हैं। अरे मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, कितना चीनी मिल खुलवाना था वो नहीं खुलवाए, पलायन नहीं रोके, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया, कम से कम अच्छा कैंडिडेट तो दे देते ताकि गया के लिए आवाज उठाता। तो जो ऊपर देख रहे हैं जो भाजपा के लोग, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं, मोदी जी भी ऊपरे वाला को देखते हैं, पूंजीपतिये के देखते हैं, अमीरे के देखते हैं। हर कोई लालू यादव है। तो आप सब लोग जानिए, पहचानिए कि कौन झूठ बोल रहा। लोग बोलते हैं कि देश का देखो चुनाव है, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब गांव का विकास नहीं, आपके जिला का विकास नहीं, आपके राज्य का विकास नहीं, तो देश का कैसे विकास हो जाएगा। गांव गांव से देश बनता है, गांव गांव से ब्लॉक बनता है, ब्लॉकों से विधानसभा बनेगा, जिला बनेगा, जिला के बाद राज्य बनता है, और राज्यों से ही देश बनता है। तो जब तक हमारा गांव नहीं विकास करेगा, हमारा पंचायत विकास नहीं करेगा, हमारा जिला का विकास नहीं होगा, तब तक आपके देश का विकास नहीं हो सकता है। ये सब बात का प्रचार नहीं करेंगे। यहाँ कुछ मीडिया के लोग हैं, बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग हैं, सब नहीं लेकिन कुछ लोग हैं, एक तरफा मोदी जी समुंदर में डुबकी लगाएंगे, कारपेट लगा के बैठ के द्वारका चले जाएंगे तो दिन रात वही दिखाएगा। मोदी जी चीता देखे जाएंगे तो चीता दिखाएगा, देखिए मोदी जी चीता देख रहे। मोदी जी गुफा में बैठ जाएंगे तो गुफा का दिखाएगा, देखिए गुफा में बैठे। अरे आपका क्या भलाई का बात कर रहा है भाई, कौन सा भलाई का बात कर रहा है। कभी एक बार इन लोगों से पूछो गरीबी के बारे में। मोदी जी इंटरव्यू देते तो अक्षय कुमार को देते हैं, अक्षय कुमार पूछता मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं। अभी बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे गरीबों से मिलिए ना, सवाल लीजिए। किसान आंदोलन कर रहा है, मोदी जी बोले थे आज दुगुना कर देंगे 22 तक, लेकिन लाठी मार मार करके भगाया किसानों को, मोदी जी मिले नहीं। क्या हो रहा है भाई देश में, भ्रष्टाचारी बोल रहे, रेलवे को बेच दिए, सारा देश के संपत्ति को बेच दिए, सेल को बेच दिए, जहाज को बेच दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, पोर्ट को बेच दिए, क्या क्या नहीं बेचे सबको पता है। पैसा है ना भाई, पैसा। हम लोग तो गरीब का पार्टी है,
लेकिन भाजपा के पास कितना हजारों करोड़ है, जिंदगी भर बैंक में पड़ा रह जाएगा, इंटरेस्ट इतना हजार करोड़ में आ जाएगा, महीना इंटरेस्ट करोड़ हजार करोड़ में आता होगा भाजपा का, जितना उसके पास पैसा है। क्या आप दे रहे आप? हम एक हेलीकॉप्टर कैसे कैसे व्यवस्था पार्टी का लोग किया, भाजपा का उतरेगा एक के बाद 30-30 गो हेलीकॉप्टर है कि नहीं? पिछले बार तो सरकार बना ही ना लिए थे, हम तो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके घूमे थे पिछले बार, एक एक दिन में 18-19 सभा हम लोग किए थे। देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया 5,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था, अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया, तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गन्ना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे, आंकड़े आ गए थे जाति आधारित गन्ना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था, तो बीजेपी हाईजैक कर लिया चाचा जी के। लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1,00,000 रुपया दे रहे थे, जिसका पक्का मकान नहीं घर बनाने का 2,00,000 रुपया दे रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं 1,00,000 दे रहे थे, जिसको जमीन नहीं वो जमीन खरीदेगा, और मकान बनाना है पक्का तो 1,20,000 रुपया दे रहे थे। ये हम लोगों का योजना चल रहा था। सर्वे का यही ना फायदा हुआ कि आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब है, और उसमें पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़ो जाति में बहुत गरीब है, अति पिछड़े में और गरीब है, दलित आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है। आप लोगों के बीच गए थे, वादा किए थे, देखो उप मुख्यमंत्री रह के हम 17 महीने में केवल अगर 5,00,000 नौकरी दे सकते हैं, तो 5 साल अगर मुख्यमंत्री रहते हुए दीजिएगा तो कितना नौकरी देंगे ये आप बताइए। अग्निवीर का देखिए क्या हो गया, 4 साल ठेका पे, क्या करेगा बच्चा सर, नौजवान सर 4 साल बाद क्या करेगा। आप देखिए क्या हो रहा है, रेलवे में बहाली निकलता था, रेलवे का कितना बहाली निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। लालू जी को बोलते भ्रष्टाचारी, लालू जी ने रेलवे मंत्री रहते हुए 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया था, हर बजट में भाड़ा कम करते थे। बता प्लेटफॉर्म का टिकट कितना था पहले लालू जी के समय में, आप कितना है, पहले 3 रुपया था, इनके टाइम में 50 रुपया हो गया, और ट्रेन का टिकट कितना गुना बढ़ गया बताइए। आओ हर बजट में कम करते थे, लोग हर बजट में बढ़ा रहा है पैसा, गरीब कैसे सफर करेगा, सफर करने वाला तो ट्रेन है ना है गरीब का, बताइए। कूली लोग को परमानेंट कर दिया, देश भर के कूली लोग को लालू जी ने, कहार भाइयों के लिए कूलर चालू करवा दिया, कूलर में चाय पियो ताकि उन लोगों का रोजी रोटी चलता रहे, आर्थिक स्थिति ठीक रहे। बिहार को 3-3 कारखाना दिया लालू जी ने, और बात करते कि लालू जी ने क्या किया, आप तो रेल बेच दिए ना, पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, पता ही नहीं चलता है कि कहां बजट गया, याद है कि नहीं,
इन लोगों का केवल काम है आरोप लगाना। अरे लालू जी तो सोचते थे गरीब रथ चालू करके ताकि स्लीपर में ना बैठे एसीओ में गरीब बैठ जाए, ऐसा गरीब रथ चालू किया था लालू जी। तब इतना काम किया, बात करते हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन इधर चाचा जी पलट गए। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक हो गए, बताओ। कल मोदी जी का पैरवे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति होगी, हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ कि बताइए बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है। वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4,000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले मोदी जी क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में कि डीएनए खराब है। अब मुख्यमंत्री जी कोई महिला पे वाला पे टिप्पणी हो गया था विधानसभा में, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी जी बोलते थे मुख्यमंत्री जी कितना गिरिएगा। और आज बड़े अच्छे होंगे, नीमन होंगे भाई नीतीश जी। यही नीतीश जी क्या कहते थे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे। पहले हमको कहते थे कि यही ना बागी देखेगा, नौजवान है, नौजवानों को रोजगार दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और आज बोलती बंद है सबकी। तो खैर इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, ये लोग बड़े लोग हैं भाई, एगो प्रधानमंत्री है, एगो मुख्यमंत्री है। हम नौकरी दे रहे थे, वो लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे, लेकिन सरकार पलट गया तो पलट गया, उसकी हमको चिंता नहीं है।